गया था, ये पानी का फ्लो यहाँ पे पहुँचा हुआ था लास्ट टाइम पे, बट अब ये सारे क्रेट बना दिए हैं यहाँ पे नदी के किनारे किनारे। दो गाड़ियाँ एक बार में चलने लायक रोड नहीं है। होटल के नीचे भी लगा रहे हैं यार ऐसे ऐसी क्रेट्स, ताकि ऊपर से डंगा ना बैठ जाए, बिल्डिंग कहीं बैठ ही ना जाए। वो सामने ही आपको दिख रहा होगा, ये है जोगनी वाटरफॉल। जोगनी वाटरफॉल भी अब नॉर्मल है, पब्लिक जा रही है वहाँ पे भी, विजिट कर रही है। ये वाला वो नेचर पार्क है दोस्तों, ये ओल्ड मनाली के जस्ट क्लब हाउस से थोड़ा सा अंदर जाके ये वाला रोड पे ही है। ये है वन विहार मनाली, ये भी ओपन है। मार्केट तो ऑलमोस्ट सारी ओपन है यार मॉल रोड की, कुछ एक दुकानें बंद है। फिलहाल ऐसा टेम्परेली ब्रिज बना दिया है पैदल चलने के लिए। मेन रोड के साथ में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि यार हर जगह काम चला हुआ है। ऐसे आगे रोड भी देखो थोड़ा सा निकाल दिया है, इससे पहले सिर्फ यहाँ पे पूरा का पूरा टूटा हुआ था। यहाँ से थोड़ा सा आगे तक तो बना दिया है, बट गाड़ियाँ कोई भी नहीं जा रही, छोटी गाड़ी भी नहीं, बड़ी गाड़ी भी नहीं। यार भले ही ये वाला रोड मनाली से कुल्लू को नज़दीक है वाला नज़दीक रोड ही है, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इस रोड के बजाय नगर कुल्लू वाला रोड से ट्रैवलिंग करेंगे तो बेटर है। जितनी भी लेडीज़ आपको दिख रही है दोस्तों, ये है ओल्ड मनाली के गांव के ही महिला मंडल सारी लेडीज़, एंड ये लोग गए हैं आज गांव में जंगल में पेड़ लगाने। एंड ये है होटल ड्रीम लैंड। ओल्ड मनाली में ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है यार, यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सनी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज 9 तारीख है एंड आज बुधवार भी है। दो दिन यार घर पे ही था तो ब्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि घर पे चल रहा है यार मेले का काम, तो मेले के लिए अभी 10 एक दिन बचे हुए हैं। 19, 20, 21 को हमारा मेला होता है, तो अलग अलग गाँव से देवी देवता आएंगे, उनके साथ लोग भी आएंगे, तो बहुत बड़ा मेला होता है यार हमारा गाँव का। तो जैसा भी होगा वो भी मैं आपको इस महीने दिखा दूंगा। एंड अभी मैं आया हूँ यहाँ पे अपने घर से थोड़ा सा आगे, यहाँ पे है अपना खेत, बस वो सामने ही एक मोड़ थोड़ा सा आगे जाके अपना घर है। एंड घर से मैं थोड़ा इधर की आ साइड आया हूँ अपने खेत की साइड में, तो ये है दोस्तों अपना खेत। सेब बिल्कुल तैयार हो गए हैं, ये भी अपने ही है, यहाँ से लेकर नीचे तक यार अपना ही बगीचा है। एंड नाशपति भी है, नाशपति भी अभी निकाली नहीं है, सेब भी अभी निकाले नहीं है, क्योंकि इनका टाइम होगा 15 अगस्त के बाद। ये है नाशपति का पेड़। एंड दोस्तों काफ़ी दिन हो गए थे मनाली भी नहीं गया था, तो आज मैं आपको कुल्लू मनाली का अपडेट करूँगा, रोड की भी बताऊँगा कि कहाँ कहाँ से रोड अभी पूरी तरह से चालू हो गया है। मौसम तो देख लो आप यार, बिल्कुल कंटिन्यू काफ़ी दिनों से साफ है, तो ये सबसे सही चीज़ है। बरसात का ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा टाइम चला गया है, थोड़े बहुत दिन बचे हैं बरसात के, तो जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा वैसे ही टूरिज्म तो ऑलमोस्ट चालू हो गया है, बट फिर भी काफ़ी कम टूरिस्ट आ रहे हैं फिलहाल अभी। दोस्तों काफ़ी लोग पूछ रहे थे यार कि इस टाइम आना सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, तो मैं आपको बता दूँ काफ़ी लोग अपनी गाड़ी लेके भी आ रहे हैं एंड वॉल्वो बस में भी आ रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से जैसा आपको, जब आपको पास टाइम है तो आप इजीली आ सकते हैं यार। पहले की तरह मौसम ख़राब नहीं है कि बाढ़ वाली सिचुएशन है या कोई प्रॉब्लम है, वैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है ऑलमोस्ट। तो बाकी मैं आपको आज दोबारा मनाली जाऊँगा, दोबारा अपडेट देता हूँ आपको। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ अपने घर से बतलीगुल मार्केट के लिए एंड यहाँ से जाऊँगा मनाली, तो आज आपको पूरा मनाली का अपडेट करूँगा। एंड ये जो बसें हैं दोस्तों, ये है लोकल बसें, ये कुल्लू से आई है, ये देखो ये सब बसें कुल्लू से आई हुई है। एक्चुअली यार कुल्लू से पतलीकुल तक तो सारी बसें आ रही है, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी ऑल दी बसेस, तो यहाँ से आगे क्या है कि मतलब ये हाईवे जो है यहाँ से तो बंद है रोड, मैंने आपको बता ही दिया था, तो ये सारी बसें जा रही है यहाँ से शिफ्ट होकर नगर होते हुए मनाली के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यार रात को तो बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें, एक तो सेफ भी नहीं है रात को ट्रैवल करना, दूसरा क्या है कि रात को बसेस की सर्विस भी बिल्कुल नहीं है। जो आम पब्लिक भी आती है यार, सोचते हैं कि मनाली तक लोकल बसें आपको मिल जाएगी, बट शाम 5 या 6 बजे तक ये लोकल बसें चलती है कुल्लू मनाली, वो भी उसके बाद बंद हो जाती है। तो आज हम लोग जाएंगे यहाँ से सीधा इसी रास्ते से मनाली, एंड रिटर्न में देखता हूँ अगर नगर होके आऊँगा तो वो भी देखते हैं। नगर है दोस्तों यहाँ से 5 किलोमीटर, एंड जो बड़ा ग्रांड दिख रहा है ये अपना गांव है, यहाँ से 3 किलोमीटर यहाँ से ऊपर जाके है। तो हम लोग सीधा जाएंगे मार्केट होते हुए मनाली के लिए। ये दोस्तों पतलीकुल पुलिस स्टेशन,
ज़रूरी चीज़ आपको बता दूं कि ये वाला जो रोड है ये कंटिन्यू पूरे सुबह 8 बजे से लेकर शाम के तक ओपन रहता है। अगर आप रात को 8 बजे के बाद सॉरी 6 बजे के बाद इस रोड से जाएंगे तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। पुलिस वाले यहाँ पे बंद कर दिया है यार, क्योंकि सिर्फ दिन दिन को ही इस वाले रोड से आवाजाही हो रही है गाड़ियों की, बाकी रात को यार एक्चुअली रोड का काम चला हुआ है। तो रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक ये वाला रोड बिल्कुल बंद रहेगा, तो हम लोग दिन दिन में ही ट्रैवलिंग कर सकते हैं, रात को बिल्कुल बंद रहता है। इस साइड देख लो कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ रुकी हुई है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा चली हुई है। सेफ का सीज़न तो है ही है आजकल, बट थोड़े बहुत टूरिस्ट भी आ रहे हैं मनाली यार, ऐसा नहीं है कि ये देखो सारी लोकल गाड़ियाँ ही है, पर ट्रैफिक देख लो कितना लंबा लग गया है। तो कहीं पे भी जा रहे हो या आ रहे हो आपको टाइम से ही निकलना पड़ेगा सुबह टाइम के अकॉर्डिंग, नहीं तो इतना लंबा लंबा जाम सिर्फ एक जगह मिलता है, बाकी इसी ऐसी ऐसी जगह 7-8 जगह है मनाली पहुंचने तक। तो आगे भी देखते हैं कितना लंबा जाम लगा हुआ है, और रोड भी पता नहीं अब पहले से तो थोड़ा बेटर हुआ होगा, क्योंकि हफ्ता 10 दिन के बाद आज मनाली जा रहा हूँ यार। दोस्तों पतलीगुल से अभी हम लोग आ गए हैं, दो ढाई किलोमीटर आ गए हैं यहाँ से, एंड यहाँ पे तो आपको पता ही है रुक गए थे क्योंकि यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर भी है, एंड सबसे मेन तो आपको पता ही है पानी यहाँ का ठंडा रहता है, एंड गाड़ी के ऊपर अली इतनी धूल हो गई थी ना, तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा पानी भी मार देता हूँ यहाँ पे। आज मंजू भाई के साथ आज हम लोग दोनों ही जा रहे हैं मनाली। ये देख लो गाड़ियाँ आ रही है, बाहर की गाड़ियाँ काफ़ी आ रही यार। मैंने आप काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अपनी गाड़ी लेके आना सेफ रहेगा या नहीं, तो सेफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मौसम तो मैन है यार, मौसम साफ़ है तो आप कहीं पे भी आ जा सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था यार इस जगह की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पानी आ रहा था ऊपर पहाड़ी से, तो रोड में फिर से बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, बट फिलहाल तो रोड ठीक है, चालू है। आप खुद देख लो यार इतने बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं, तो रोड तो डैमेज होगा ही है, ऊपर से ये अभी पूरा पक्का नहीं बना है, खाली पत्थर और मिट्टी डाला है इसके ऊपर, डबल लाइन बनते बनते तो अभी टाइम लगेगा, बट वहाँ पे देख लो काम हो रहा है। लास्ट टाइम ये वाला यहाँ पे सिर्फ मिट्टी मिट्टी हुआ करती थी, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि आज जहाँ जहाँ पे ये वाला स्लाइड हुआ है या रोड टूटा हुआ है तो वहाँ वहाँ सब जगह ऐसे वाला कंक्रीट के वो लगा रहे हैं। सॉरी यार, अभी हम लोग पहुँच गए हैं 18 मील में, यहाँ पे ब्रांड भी बोलते हैं, पर ट्रैफिक यार इतना लंबा लग गया है ना यहाँ से लेकर जहाँ पे अभी वो रोड टूटा हुआ है, तो वहाँ तक ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर से ज़्यादा है यहाँ से। तो ये ऊपर से गाड़ियाँ आ रही है मनाली साइड से, इस साइड से गाड़ियाँ रोकी हुई है, तो अभी पीछे एक बड़ा वाला स्ट्रेच रुक गया था वहाँ पे हमने क्रॉस किया, वहाँ पे भी जाम था, दूसरा स्ट्रेच ये है, तो ऐसा करते करते अभी 5-7 स्ट्रेच है मनाली पहुँचते पहुँचते, तो सोच लो शाम तक पहुँच सकते हैं अभी जिस हिसाब से लग रहा है कि। ट्रैफिक ज़्यादा इस करके लग रहा है यार क्योंकि रोड की हालत ख़राब हो गई है, बीच बीच में कंटिन्यू छोटी बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही है तो रोड डैमेज हो रहा है, तो आगे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है तब करके गाड़ियां नहीं चढ़ रही, गाड़ी को पूरा जाने देना पड़ेगा तभी निकालेंगे एक एक करके गाड़ी, अगर बीच में फंस गई तो फिर मुश्किल है। अभी पहुँच गए हैं दोस्तों हम लोग 18 मील से थोड़ा सा आगे, यहाँ पे भी आपको मैंने दिखाया था पूरा का पूरा रोड चला गया था, ये पानी का फ्लो यहाँ पे पहुँचा हुआ था लास्ट टाइम पे, बट अब ये सारे क्रेट बना दिए हैं यहाँ पे नदी के किनारे किनारे। दो गाड़ियाँ एक बार में चलने लायक रोड नहीं है, बट धीरे धीरे हो जाएगा, अभी पता नहीं कितने दिन और लगेंगे, बट पहले से तो काफ़ी बेटर है रोड। पूरी की पूरी RCC डूब गई है देखो रोड की। बट काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा अभी पूरा का पूरा रोड बनने में, रात को तो यार कंटिन्यू इस रोड पे काम होता है तब करके रात को गाड़ियाँ नहीं चलती, आगे गाड़ियाँ फंस रही है तब यहाँ पे मशीन लगी है काम करने के लिए। भाई लोग लगे हैं बुरी तरह से काम करने, ये दोस्तों क्लाथ यहीं पे वो गर्म पानी का कुंड था जहाँ पे अभी रोड चला गया है इस जगह पे। वो
वहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ी, जैसे ये क्या, ये टिप्पर का पूरा का पूरा, टिप्पर की गाड़ी, टिप्पर गाड़ी है यार, पूरा का पूरा दब गया है पत्थर और मिट्टी में। ऐसी ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी यार नदी के किनारे, पता नहीं कहाँ कहाँ पे। अभी तो जाने के लिए भी रोड नहीं है। यहाँ पे वो गर्म पानी का कुंड हुआ करता था। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए हैं क्लास से थोड़ा सा आगे। ये देखो यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग थी, पूरा का पूरा स्कूल चला गया यार। लास्ट ब्लॉग भी मैंने आपको बता दिया था। एंड यहाँ से आगे काफ़ी सिंगल रोड था, अब पहले से देख लो कितना लंबा जाम लग रहा है। सिर्फ इस साइड से गाड़ियाँ जा रही है, ऊपर की तो रोक के रखी है। एंड ये वाला ब्रिज तो अभी भी पूरा बंद ही है यार गाड़ियों के लिए, तो पैदल बड़ी मुश्किल से जा रही है पब्लिक। चलो इतना भी पहले से काफ़ी है यार, एटलीस्ट लोगों को आने जाने के लिए सुविधा तो मिल गई। होटल के नीचे भी लगा रहे हैं यार ऐसे ऐसी क्रेट्स, ताकि ऊपर से डंगा ना बैठ जाए, बिल्डिंग कहीं बैठ ही ना जाए। फिलहाल ऐसा टेम्परेली ब्रिज बना दिया है पैदल चलने के लिए। मेन रोड के साथ में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि यार हर जगह काम चला हुआ है, तो एक आध महीने में ये वाला पूरा का पूरा रोड खुल जाएगा। एंड उसके बाद कंप्लीट दोनों साइड से गाड़ियाँ चलेगी। ये वाला जो नाला है ना यार, यहाँ पे बहुत सारे हट हुआ करते थे, एक भी दिख नहीं रहा, क्योंकि ऊपर से जो नाला है ना, इसने सारा का सारा तबाह कर दिया। रोड तो यार इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं ना, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। होटल वाला भी अभी देख रहा है बेचारा, बच गया। फॉरनर भी जा रहा है ले लद्दाख के लिए, भाई ट्रंक लेके कहाँ जा रहा है। यार भले ही ये वाला रोड मनाली से कुल्लू को नज़दीक है, वाला नज़दीक रोड ही है, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इस रोड के बजाय नगर कुल्लू वाला रोड से ट्रैवलिंग करेंगे तो बेटर है, क्योंकि जितना यहाँ पे ट्रैफिक लग रहा है ना, उतने में तो इजीली आप नगर होके पहुँच जाएंगे कुल्लू के लिए। क्योंकि यार इतना जगह काम चला हुआ है ना, तो आप कितनी जगह रुकेंगे, हर जगह ट्रैफिक लग रहा है हर जगह। ये है वो मेन ग्रीन टैक्स बैरियर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाही हुई है यार। यहीं से देख लो कितना लंबा ट्रैफिक लग रहा है। जब आप मनाली आएंगे यार दोस्तों, तो जब आप देखेंगे ना पूरा का पूरा, मतलब जैसा पहले था उसके बिल्कुल अपोजिट कर दिया है, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि यार कैसा था कैसा हो गया है। वर्कशॉप वगैरह भी खुल गई है एरिया में, क्योंकि गाड़ियों का नुकसान तो काफ़ी हुआ है। ये वाली बस ऊपर पीछे फंसी हुई थी यार, इसको भी सीधा करके रोड में निकाल दिया है, हिमगिरी बस। गेट के पास है तो रास्ता ही गायब हो गया यार। ये दोस्तों ग्रीन टैक्स बैरियर के पास सब्जी मंडी है, इसका भी काफ़ी नुकसान हुआ था, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत सब्जियाँ आ रही है, तो इसका मतलब शायद इसको ओपन कर दिया होगा। पानी अभी भी इकट्ठा ही हुआ है। पर गाड़ियाँ अभी भी सारी की सारी फंसी हुई है कचरे में, सॉरी अपना रेत और बजरे में। ये सारे ट्रक लेह लद्दाख से आए हुए हैं। बेटर टू गो यार बाय नगर रोड होके, नहीं तो इस रोड में तो नंबर ही नहीं लगेगा, पता नहीं शाम तक ही पहुँचेंगे। दो ढाई घंटा तो हम लोगों को हो गया पतलीपुर से मनाली पहुँचते पहुँचते। ये वाली वॉल्वो तो काफ़ी टाइम से फंसी है इधर। ये है होटल ग्रैंड मैस्टिफ मनाली। ये वाली जो जगह है दोस्तों, ये है कन्याल चौक, यहाँ से सिमसा को भी रोड जाता है, कन्याल को भी जाता है। एंड ये वाला अल्टरनेट रास्ता है होटल के लिए, बहुत सारे होटल एंड कॉटेज है इस वाले एरिया में। एंड एक चीज़ आपको मैं ज़रूर बता दूं दोस्तों, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि यार होटल ऑनलाइन बुक करें या क्या करें, तो इस टाइम मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ऑनलाइन बुक बिल्कुल भी ना करें,
क्योंकि ऐसा यार ऑन द स्पॉट आएंगे तो आपको कोई भी होटल इजीली मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सीज़न की तरह ज़्यादा क्राउड है या आपको रूम नहीं मिलेगा या फिर एक्सपेंसिव होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इजीली आपको होटल मिल जाएंगे। एंड एक भाई पूछ रहा था यार होटल रीन नेस्ट, ये कंट्री रिवर कंट्री रिजॉर्ट है, ये वाला एरिया पूरा का पूरा सेफ है। ऑलमोस्ट पहुँच गया है मनाली, आगे आने वाला है वॉल्वो बस स्टैंड। फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं मनाली वॉल्वो बस स्टैंड पे। इससे पहले मैंने आपको दिखाया यार रोड यहाँ से हुआ करता था एंड वॉल्वो बस स्टैंड के अंदर से ऊपर को, अब सीधा निकाल दिया है शॉर्टकट जो इसका पुराना रोड था। नदी का तो पूरा डाइवर्जन कर दिया है यार। एंड ये वाला रोड जाता है मॉल रोड के लिए, ये वाला रोड जाता है बस स्टैंड के लिए, वॉल्वो बस स्टैंड जो पहले हुआ करता था। यहाँ से थोड़ा सा ही आगे तक जाऊँगा क्योंकि यहाँ से आगे का जो रोड गया था वहाँ पे भी रोड का काम चालू है, बोला ऐसा बोल रहे थे, तो देख के आते हैं यार इतने दिन के बाद मनाली आया, देख लेते हैं वहाँ पे भी काम चालू हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे है वॉल्वो बस स्टैंड एंड यहाँ पे जहाँ पे अभी मशीनें लगी हैं, यहाँ पे ट्रक यूनियन हुआ करती थी, सारे ट्रक ट्रक मनाली के यहाँ पे खड़े होते थे। मशीनें तो लग गई है, यहाँ से आगे रोड भी देखो थोड़ा सा निकाल दिया है, इससे पहले सिर्फ यहाँ पे पूरा का पूरा टूटा हुआ था। यहाँ से थोड़ा सा आगे तक तो बना दिया है बट गाड़ियाँ कोई भी नहीं जा रही, छोटी गाड़ी भी नहीं बड़ी गाड़ी भी नहीं, तो यहाँ पे भी थोड़ा दिन अभी लगेंगे इसको निकालने में। उसके बाद सीधा आगे बड़ा ब्रिज आएगा जहाँ से रोड जाता है रोहतांग सोलंग वैली वशिष्ठ के लिए, हर जगह के लिए। पानी अब जाके थोड़ा सा कम हुआ है, आपको पता था यार यहाँ पे कितना ज़्यादा पानी आ रहा था लास्ट ब्लॉग में। काम तो हो रहा है यार, आप कुछ नहीं बोल सकते कितना टाइम लगेगा, इस टाइम सारी नदी वहाँ पे डाइवर्ट कर दी है। अगर पानी यहाँ पे होता तो यार यार ये काम होना पॉसिबल है ही नहीं बिल्कुल भी। बुरी हालत भाई बुरी हालत, इतनी बड़ी बड़ी आरसीसी वहाँ पे पहुँचा दी यार रोड की। अभी पहुँच गए हैं दोस्तों हम लोग मॉल रोड के पास एंड ये है वन विहार मनाली, ये भी ओपन है। मार्केट तो ऑलमोस्ट सारी ओपन है यार मॉल रोड की, कुछ एक दुकानें बंद है बट क्राउड ज़्यादा नहीं है, कम है क्राउड क्योंकि पब्लिक टूरिस्ट बिल्कुल कम आ रहा है, ज़्यादा नहीं है बट आ रहा है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पूरी मार्केट ओपन है। ये दोस्तों मनाली स्कूल मेन स्कूल एंड ये वाला है मिशन हॉस्पिटल मनाली का, ये तो खैर ओपन है ही है बट इस साइड सब कुछ नॉर्मल है यार, इस साइड ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। मौसम तो मैंने आपको दिखाई दिया, मौसम बिल्कुल साफ है तब करके सब नॉर्मल है। ये दोस्तों माल रोड मनाली का, ये ऊपर वाला माल रोड है, नीचे से स्टार्ट होता है ये होटल आईबैक से लेकर ये गोल चौक है एंड यहाँ से रोड जाता है हडिम्बा टेम्पल के लिए एंड ओल्ड मनाली के लिए। तो फिलहाल तो हम लोग जाएंगे ओल्ड मनाली, एक भाई है उसके पास जाएंगे, थोड़ा सा काम है उसके पास बट क्राउड है यार, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नहीं है। यहाँ से दोस्तों ये वाला रोड जाता है हडिम्बा देवी टेम्पल के लिए एंड ये रोड जाता है ओल्ड मनाली के लिए। यार ये ओल्ड मनाली वाले रोड पे ना ऑल टाइम इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा होता था बट इस टाइम बिल्कुल खाली है, बिल्कुल ही खाली। इस टाइम आने का एक और फ़ायदा है कि मतलब आपको इजीली कहीं पे भी जाने को मिल जाएगा, ज़्यादा ट्रैफिक तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि पब्लिक ज़्यादा है नहीं। ये है ओल्ड मनाली का गेट एंट्रेंस यहीं से एंड यहाँ से जो आपको रास्ता दिख रहा है ना दोस्तों जंगल होते हुए, पब्लिक जा रही है देखो यहाँ से, ये रास्ता सीधा जाता है मॉल रोड के लिए। तो जंगल जंगल से भी आप पैदल पैदल मार्केट पहुँच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रोड रोड से आ सकते हैं। ये दोस्तों ओल्ड मनाली का ब्रिज, पानी तो बिल्कुल साफ ही रहता है यार इस नदी में जब भी आएंगे। ये रास्ता जाता है मनु टेंपल के लिए एंड ये रास्ता जाता है अपना क्लब हाउस के लिए, जो क्लब हाउस है ओल्ड मनाली का। तो हम लोग क्लब हाउस के पीछे जाएंगे वहाँ पे, देख लो कैफेज भी ओपन है ओल्ड मनाली में एंड होटल भी ओपन है, ये वाला होटल नीलगिरी है।
एंड ये है होटल ड्रीम लैंड। ओल्ड मनाली में ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है यार, यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ये वाला है दोस्तों क्लब हाउस, बट अभी फ़िलहाल खाली ही पड़ा हुआ है। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ ओल्ड मनाली के पीछे, यही रास्ता जाता है, ये जो रोड है ये जाता है बुरुआ शनाग होते हुए सोलांग वैली के लिए सीधा। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए रुके हुए थे, यहाँ पे एक भाई से मिलना था, थोड़ा काम भी था, एंड वो सामने ही आपको दिख रहा होगा, ये है जोगनी वाटरफॉल। जोगनी वाटरफॉल भी अब नॉर्मल है, पब्लिक जा रही है वहाँ पे भी, विजिट कर रही है। ये वाला वो नेचर पार्क है दोस्तों, ये ओल्ड मनाली के जस्ट क्लब हाउस से थोड़ा सा अंदर जाके ये वाला रोड पे ही है। अंदर काफ़ी बड़ा एरिया है, वो मैं आपको किसी और दिन दिखा दूंगा, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखानी थी यार। यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ आपको दिख रही है ना, ये सब है ओल्ड मनाली गांव से, एंड ये लोग पूरे दिन में आज गए थे पेड़ लगाने। तो मैंने पूछा था कि ऐसे ही नॉर्मली कि आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ इकट्ठा हुई है, तो इन्होंने बताया कि इनसे ही पूछ लेते हैं आज क्या किया आपने, कहाँ कहाँ पेड़ लगाए। अच्छा अच्छा ठीक है, तो इन लोगों को सल्यूट बोलना, सल्यूट करना ज़रूरी है, क्योंकि सारे गांव के लेडीज़ इकट्ठा हुई है, इन लोगों ने पेड़ लगाए हैं यहाँ पे नेचर पार्क के, जहाँ जहाँ फ्लड आया है उसके नज़दीक में भी, एंड जंगल के अंदर जहाँ पे खाली एरिया था। तो अभी हो रहा है लंच इन लोगों का, मनु अच्छा दो तीन महिला मंडल इकट्ठा हुए हैं। अच्छा दो है, ठीक है जी, ठीक है ठीक है, बस जी कोई नहीं जी, कोई नहीं कोई नहीं, अच्छा जी ठीक सर जी, धन्यवाद। तो चलते हैं यार, इन लोगों को लंच करने देते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ आपको दिखाता हूँ, जो गांव के प्रधान है ना ये है, एंड ये मेरे गांव से ही है, इनको मैंने देखा नहीं था तब करके आपको दिखा नहीं पाया, तो यही इन सब के साथ टीम में शामिल है, तो यही कर रहे हैं पूरे गाँव में पेड़ लगाने का काम। अभी वापस आ गए हैं दोस्तों पीछे नेचर पार्क से, मैंने यहाँ पे चाय के लिए बोल दिया था, चाय पियेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाते हैं रिवर साइड, ये भाई का ढाबा था इधर, भाई भी बिल्कुल वेला पड़ा आजकल, काम धंधा है नहीं। यहाँ पे जिप लाइन होती थी, खैर वो तो बंद है आजकल, जितनी भी जिप लाइन की एक्टिविटी है वो सब बंद है। वो थोड़ा सा यहाँ पे इनका नुकसान हो गया यार, एंड थोड़ा सा नीचे भी, बाकी तो ठीक है। जब से फ्लड आया था इस वाली नदी में ज़्यादा नुकसान नहीं किया यार, ये ओल्ड मनाली वाली नदी है। अभी दोस्तों ओल्ड मनाली से आ गए थे, ये वाला है जॉनसन, ये भी इस टाइम ओपन है। ये वाला बड़ा ब्रिज है दोस्तों मार्केट का, यहाँ से ये रोड जाता है ऊपर सोलांग वैली के लिए एंड रोहतांग पास के लिए। हम लोग यहाँ से राइट साइड जाएंगे, नगर वाले रोड से वापिस जाएंगे यार, शाम के 3:30 बज गए, पता ही नहीं लगा टाइम का। दोस्तों ये वाला एरिया जगत सुख मेन मार्केट का, यहाँ पे हमेशा यार ऐसा ही ट्रैफिक रहता है, सारे के सारे ट्रक फंस गए हैं। दोस्तों अभी मैं मार्केट से आ गया था प्रीणी, प्रीणी के बाद अभी पहुँच गया हूँ जगत सुख। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगता था, आप लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, एंड यहाँ से ये वाला जो रोड जाता है ना दोस्तों, ये भी ऊपर जगसुख से ऊपर काफ़ी ऊपर जाके गांव है, एंड प्रोजेक्ट वालों का भी ये वाला रोड है, ये वाला तो पूरा डैमेज हो गया था, बट रोड वहाँ से निकाल दिया यार, फिलहाल टेम्परेरी निकाला है, बट गाड़ियाँ निकल रही है ऊपर गांव के लिए, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सहूलियत हो गई यार, उन लोगों को भी मार्केट आने जाने के लिए सही हो गया, बट धूल इतनी ज़्यादा उठ रही है ना यार, हालत ख़राब हो रही है जगह जगह। ये जो जगह है दोस्तों ये है सजला, सजला वाटरफॉल का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो यहाँ से भी उसका ट्रैक जाता है रिवर साइड, रिवर से होते होते ऊपर को, एंड आगे जंगल है, जंगल से भी ऊपर रास्ता जाता है वाटरफॉल के लिए। एंड मनाली से सजला, सजला के बाद अभी हम लोग पहुँच गए हैं दोस्तों, ये गांव है करजां, करजां ये जगह है, यहाँ पे थोड़े दिन पहले फ्लड आया था, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखा दिया था, यहाँ पे फ्लड आया था, तो यहाँ पे एक होटल है यार निरालिया शिवादिया रिजॉर्ट होटल करके, ये वाला होटल है अंदर, होटल को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, हालांकि रोड यहाँ से बिल्कुल सेफ है। सामने ये होटल, ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है यार, ज़बरदस्त एक नंबर, बिल्कुल बीचों बीच सेब के बगीचे में बीचों बीच है, एंड कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है, लोगों के घर नहीं है, घर है बट थोड़ा साइड में है, बट प्रॉपर्टी यार एक नंबर, यूनिक प्रॉपर्टी है, तो
तो इस साइड वो नाला आया था जब फ्लड आया था, तो ये तो बिल्कुल भी सेफ है। एंड यहाँ से जाएंगे नगर, नगर नहीं जाएंगे, पहले एक लिंक रास्ता आता है वहाँ से गांव के रास्ते में हम लोग शॉर्टकट ले लेंगे आगे के लिए। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए हैं, ये जगह है सरसेई, सरसेई से थोड़ा सा आगे जाके नगर है। एंड यहाँ से हम लोग लेंगे राइट टर्न, ये रोड जाता है गाँव होते हुए नीचे वाले नेशनल हाईवे को मिलता है, नीचे रंगड़ी गांव है, रंगड़ी गांव से हम लोग पहुंचेंगे सीधा नीचे गांव होते होते हुए सीधा हाईवे में। ये वो ब्रिज है दोस्तों जहां पे शॉर्टकट निकल जाते हैं हाईवे के साथ कनेक्ट होते हैं, एंड वो वाला हाईवे है। पानी का फ्लो अब नॉर्मल हो गया है यार। पहले की तरह पानी का फ्लो ज़्यादा नहीं है। ये शॉर्टकट था सीधा हाईवे में निकलने का, सुबह हम लोग यहीं से गए थे। एंड हाईवे में ना जगह जगह कैफेज भी खुले हैं, ज़्यादा होटल नहीं है, लिमिटेड है बट खुले हैं। छोटे छोटे ढाबेज भी खुले हैं यार, ऐसा नहीं है कि मतलब सब जगह कुल्लू मनाली हाईवे में शॉप्स ओपन है या नहीं है। तो आते वक्त आपको रास्ते में काफ़ी मिल जाएगा खाने पीने के लिए, जैसे ये छोटे छोटे ढाबाज। ट्रैफिक देख लो कितना लंबा हो गया है। आधे ज़्यादा लोग जा रहे हैं नीचे वॉल्वो बस स्टैंड जो रायसेन में है, वॉल्वो सारी वहीं से जा रही है। जिस दिन दोस्तों ये वाला फ्लड आया था ना एंड ये वाला रोड नहीं गया था, तो हम लोग पतलीकुल से आए थे यहाँ तक, तो उस टाइम ये वाला हाफ एरिया तो चला गया था, बड़ी साइड ठीक था। तो हम लोग जा रहे थे उस दिन मनाली, तो ठीक किया उस दिन मनाली नहीं गए। ये थोड़ी देर के बाद ये वाला रोड भी चला गया था, बाकी ऊपर मनाली की साइड में सब जगह जहाँ मैंने आपको दिखाया वो वाला भी टूट गया था यार, तो कभी भी कुछ भी हो सकता था। शुक्र है उस दिन हम लोग सीधा यहाँ से वापस अपने घर चले गए थे। ट्रैफिक अभी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लग रहा है यार, रोड में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रक चल रहे हैं यार इस रोड पे, तब करके रोड ख़राब हो रहा है। बाकी छोटी गाड़ी के लिए तो सही था रोड। पब्लिक ना यार इतना डिस्टर्ब हो रही है ना इस टाइम, क्योंकि इस रोड का जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक तो लोगों को ऐसे ही लाइन में बैठना पड़ेगा, वो भी डेली के डेली। ये देखो इतने ट्रक इतनी गाड़ियां जा रही है, एंड लोकल गाड़ी भी कुछ कुछ जा रही है मनाली, बट कोई फ़ायदा नहीं है यार बस में जाके, तो सुबह जाएंगे तो शाम को बस में पहुँचेंगे, इतना ट्रैफिक लग रहा है। यहाँ पर देख लो पुलिस स्टेशन के पास भी लाइन पहुँच गई है, पुलिस स्टेशन से भी नीचे हो गई है लाइन। ओ बाप रे, ऊपर से आज इतनी गर्मी है ना, मैंने आपको बताया था यार कि जो टेम्परेचर है ना वो इतनी मैक्सिमम टेम्परेचर 28-29 हो रहा है यार, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे कितनी गर्मी हो रही है। पर यार आज तो प्राइवेट वॉल्वो भी पतलीकुल पहुँच गई है। अब मुझे ये पता नहीं है कि ये पैसेंजर लेके यहाँ पहुँची है या फिर खाली आई है, क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी बसेज हैं, ये देखो एक और लक्ष्मी की बस भी आ गई है पतलीकुल, तो मैक्सिमम बसें तो यार मैंने आपको बताया था रायसेन में ही खड़ी हो रही थी प्राइवेट वॉल्वो, बट कुछ एक प्राइवेट वॉल्वो पतलीकुल में भी आ रही है, एक बस आगे खड़ी है। तो मैं आपको बता रहा था यार थोड़े दिन के बाद प्राइवेट बसें शायद पतलीकुल पहुँच सकती है, तो कुछ एक तो पहुँच गई है, बाकी लग जाएगा पता। दोस्तों अभी मैं आ गया था मनाली से पतलीकुल थोड़ा सा आगे आगे ये जगह है कटराई, कटराई में आया था वर्कशॉप में यार, यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी लग गई थी तो उसका थोड़ा सा काम करवाना था। एंड वॉल्वो भी देख लो यार, ये भी पतलीकुल से जा रही है दिल्ली के लिए, मैंने आपको बता दिया था यार कुछ एक वॉल्वो आ रही है पतलीकुल, तो आगे का भी यार जैसी जैसी बसें ऊपर आएगी उसका भी मैं आपको अपडेट दे दूँगा। एंड अगर कोई भी भाई कुछ भी पूछना चाहता है टूर के रिगार्डिंग या मनाली के रिगार्डिंग या कसोल के, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगी तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड कैसा लगा दोस्तों आपको मेरा आज का ब्लॉग, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगे भी आपको अपडेट मिलता रहेगा मेरे ब्लॉग पर। एंड डिस्क्रिप्शन में यार इंस्टाग्राम का लिंक भी है, तो वहाँ जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको आगे भी मेरे ट्रैवल अपडेट का पता रहेगा कि यार मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे आपको ट्रैवल स्टोरी और रील भी देखने को मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। एंड ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।